चलते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में अंबाला के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने अंबाला छावनी में कैंडल मार्च निकालकर महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। आईएमए और निजी संस्थाओं द्वारा छावनी के इंदिरा पार्क से शुरू की गई इस कैंडल मार्च को शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए इंदिरा पार्क पर ही समाप्त किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि अस्पतालों में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करवाए जाने चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कभी किसी के साथ ना हो सके। और जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुआ वह बेहद निंदनीय है। अभी तक आरोपी जर्फ से बाहर है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। डॉक्टरों ने सुरक्षा को लेकर एक कानून बनाने की भी बात कही। अंबाला से निखिल शोभती की रिपोर्ट। डॉक्टर विवेक मल्होत्रा, रेजिडेंट आईएमए अंबाला कैंट। हम आईएमए अंबाला कैंट के सभी मेंबर्स, ये जो कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर मोमिता के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है, हम उसकी स्ट्रांगली उसको कंडेम करते हैं और उसके लिए आज हम एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जिसमें के हमारे आईएमए मेंबर्स, हमारे वेटनरी सर्जन, हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, एसडी कॉलेज, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, लॉयंस क्लब, जेसी क्लब, ये सब हमारे साथ इस उसमें मुहिम में जुड़े हैं। और इसके लिए हम यहाँ से निकलसन रोड पर जाएंगे। निकलसन रोड से हम सदर में से होते हुए फिर हम दोबारा से वापस यहीं पर आकर इस मार्च को खत्म करेंगे।